नरसिंहपुर से बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नरसिंहपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है। आज दिनांक 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद नरसिंहपुर जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य क्षेत्रीय विधायक ज्वालम सिंह पटेल, जिला कलेक्टर वेद प्रकाश, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीसी आनंद की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। आज नरसिंहपुर जिले में कुल रजिस्टर्ड किए गए 6,199 लोगों में से 98 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। आज सबसे पहले जिला अस्पताल अमले में शामिल सफाई कर्मी को टीका लगाया गया। चरण में जिले में कुल 405 लोगों को टीके लगाए जाने हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। तो फिलहाल की हम खबरों में बस इतना ही। आप कहीं जाइएगा नहीं, छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार। आज सबसे पहले जिला अस्पताल अमले में शामिल सफाईकर्मी को टीका लगाया गया। इस चरण 405 लोगों को टीके लगाए जाने हैं। कोरोना वैक्सीनेशन शुभारंभ के दौरान सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क और सोशल डिस्टेंस में नजर आए। कोरोना वैक्सीन लगवाकर बाहर आए गगन ने बताया, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्हें भी 15 मिनट पहले टीका लगा हुआ है, लेकिन वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर ने बताया, जिला चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ किया गया है और आज 98 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 28 दिन बाद उन्हें दूसरी वैक्सीन दी जाएगी। नरसिंहपुर से नरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बता दिया, उसको सबको याद हो गई। क्या नाम है आपका? गगन राय है मेरा नाम। दूसरा टीका लगाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? है, कोई बस क्लास, कोई परेशानी नहीं है, सर। कोई दिक्कत नहीं है? कितना समय हो गया लगभग आपको? कम से कम मेरे को 10-15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। वैक्सीन के लिए क्या कहना चाहें? बहुत अच्छी चीज है जी, जो आ गई है अब जी। इसमें अच्छा कम से कम तो लगे तो और अच्छी बात है जी। लगना चाहिए, लगना चाहिए। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है। आदमी घबरा जरूर रहा है इस चीज़ से, पर बहुत अच्छी चीज़ है लगवाना। कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, आज क्या कहेंगे? आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ। हमारे नरसिंहपुर जिला अस्पताल में भी वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। आज 98 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आज ये पहली उन्हें वैक्सीन दी जाएगी और 28 दिन बाद उनको दूसरा इंजेक्शन लगा। ये जो कोरोना वैक्सीन है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और ये पूरे देश में आज लगाई जा रही है। और ये जो वैक्सीन है, इतनी जल्दी आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो हमारे लिए कोरोना बहुत बड़ा चैलेंज था, इसके हमारे पास 7,340 डोजेज आ गई हैं। और जो हमारा फर्स्ट था 6,199 लोगों का, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पूरी प्लानिंग थी और 14 सेंटर में लगाना था। आज शुरुआत हमने जिला नरसिंहपुर से शुरू कर दी है और ये जो है 28 दिन बाद फिर सेकेंड डोज लगेगी इसकी। और मैं चाहता हूँ कि अच्छा जो खुशहाली का माहौल है। सर, लोग डर रहे हैं वैक्सीन से लगवाने से? थोड़ा सा मतलब नई चीज़ है, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। सेफ़ है, पूरा प्रोसीजर सेफ है, इसमें कोई ऐसा खतरे वाला बात नहीं है। थोड़ा सा लोगों को विश्वास में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे लगती जाएगी, मुझे उम्मीद है कि अपन 100% अचीवमेंट करेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी खबरों को शेयर करना ना भूलें। आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।